ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। आप कितनी भी मेहनत कर ले, आप कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन आपको वो चीज़ें कभी नहीं मिलेगी जो आपके भाग्य में नहीं है। आप कितने प्रयास करते हैं, कितने जत्न करते हैं, बहुत से लोग बहुत कम समय में प्रयास करके उन्हें वह चीज़ें प्राप्त हो जाती है। तो अगर आपके भाग्य में कोई बातें नहीं लिखी है, कोई चीज़ें नहीं लिखी है, तो वो आपको कभी नहीं मिलने वाली, चाहे आप उसके प्रति कितनी भी मेहनत क्यों ना करें। ऐसी परिस्थितियों से, जो बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ऐसी हालातों से बहुत सारे जातक जूझ रहे हैं कि वो जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का उन्हें फल नहीं मिल रहा है। उस मेहनत के अकॉर्डिंग जो उनके भाग्य में चीज़ें होनी चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल रही है। उसके लिए वो बहुत बार पश्चाताप करते हैं, बहुत बार उन्हें बुरा लगता है, बहुत बार उन्हें मन में नकारात्मक ख्याल आते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में उन्हें फेस करना पड़ती हैं। लेकिन आज आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपका फिर भी भाग्य परिवर्तित नहीं हो रहा है, आपको जो फल है वो फल नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका भाग्य साथ दे? और कौन से ग्रह हैं जो व्यक्ति को जो मेहनत वो कर रहा है उसका नियमित फल प्रदान करें? ये बात आज इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे। जब कभी भी कर्म फलों की बात आती है, तो शनि से जुड़ी बात होती है। शनि कर्म के फल के देवता है, न्याय के देवता है, और जब कभी भी हम जो कर्म इस दुनिया में करते, वो लौट कर वापस जरूर आता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ शुरू हो जाती है कि वो कर्म का फल अगर बहुत देर से मिलता है, जब बहुत देर हो चुकी होती है, तब वो कर्म का फल हमारे किसी काम का नहीं होता। वो लौट कर जरूर आता है, लेकिन तब हमारे वो किसी काम का नहीं होता है। लेकिन हम सही समय पर हमें सही फल मिले, उसके प्रयास हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को पूरी प्रतिबद्धता के साथ करते रहें, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आने दें। अब इसके बाद कुछ प्रयोग हैं जो आपके जीवन में अगर आप करेंगे, तो आपको बहुत हद तक आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा। सबसे पहला परिणाम आपको मिलने के लिए, आटे का दीपक बनाएं, उसमें सरसों का तेल डालें, और जो भी अपने घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो, पीपल के वृक्ष के नीचे आटे का वो दीपक लगाएं। दीपक लगाते वक्त वहीं पर आप अगर कर सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, और गीता का अगर आप सातवां अध्याय वहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ें। तीनों में से कोई एक ही प्रयोग, एक ही का वाचन करें, या तो बजरंग बाण पढ़े, या हनुमान चालीसा पढ़े, या गीता का सातवां अध्याय वहाँ पर पढ़ना है। ऐसा करने से जो भी आत्माएँ हैं, पुण्य आत्माएँ जो इस दिव्य लोक में विराजित हैं, उन्हें शांति प्रदान होती है। जैसा कि हम श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वजों के लिए जो प्रयास प्रयोग करते हैं, पूर्वजों की शांति के लिए जो प्रयास करते हैं, वही प्रयास, एक पॉजिटिव प्रयास अनजान लोगों के लिए, अज्ञात लोगों के लिए हमारे द्वारा ये प्रयोग किया जाता है। उनसे उन्हें शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष मिलता है, और जैसे जैसे उन पुण्य आत्माओं को शांति और मोक्ष मिलेगी, आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यह प्रयोग आप शनिवार कर सकते हैं, मंगलवार कर सकते हैं, बुधवार कर सकते हैं, शुक्रवार और रविवार के दिन को छोड़कर अन्य दिन कर सकते हैं। महिलाएँ हैं, पुरुष है, सभी कर सकते हैं। महिलाएं गीता पढ़ सकती हैं, अगर बहुत सी महिलाओं को ऐसा लगता है कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, सब पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बहुत से लोगों का ऐसा मानना है तो ठीक है, वहाँ पर आप गीता का वाचन कर लें, लेकिन आटे का तेल के दीपक 5, 7, 11 लगाएं, और चींटी के लिए वहाँ पर जड़ों में आटा डालें, थोड़ा सा, ज़्यादा मात्रा में नहीं, और वहाँ पर पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमारे घर हम वापस लौट कर आ जाएं। यह प्रयोग जिस भी जातक ने किया है, यह 5 बार कर सकते हैं। 5 दिन कोई से भी चुन ले आप, या तो 5 मंगलवार, 5 गुरुवार, 5 सोमवार, 5 शनिवार कर ले, कोई से भी 5 दिन आप चयनित कर सकते हैं। यह प्रयोग जिन भी जातकों ने किया है, उन्हें बहुत हद तक बहुत सकारात्मक बदलाव मिला है। आप भी करेंगे तो आपके जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी। अच्छा लगो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट